A very good morning to all my Patayans. So in the last class, we have started our new chapter, that is chapter 8, word inserting graphics. And we had done the topic inserting picture from file, wrapping text around an image, moving an image. So today we'll do the next topics, inserting clip art, then we'll do the applying text effects. Okay, so now we'll start the next topics of chapter 8. Okay, so we are doing the project mobile computer. So yesterday we have inserted the picture from file, that is from computer or from your laptop. Okay, so today we'll insert the clip art image. Clip art image kya hoti hai? In this we use the clip art option, जहाँ पे हम डायरेक्ट इंटरनेट यूज़ करके हम पिक्चर जो है अपने डॉक्यूमेंट में सीधे इंसर्ट कर सकते हैं. सो पहले हम ये यहाँ से ये पिक्चर सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं. सेलेक्ट द पिक्चर, प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड. नाउ सबसे पहले क्लिक वेयर यू वांट टू. आफ्टर क्लिकिंग at place where we want to insert the clip art image, again we have to click on the insert option, insert tab, then you can see the clip art option here. So jaise hi aap clip art option pe, clip art button pe click karenge, then your clip art task pane will open on the right side. So you will see here, यू कैन सी, देखो यहाँ पे क्लिप आर्ट ऑप्शन आ गया है. ओके, सो हेयर यू कैन सी सर्च फॉर. तो सर्च बॉक्स में आपको कीवर्ड टाइप करना है जिससे रिलेटेड आपको इमेज चाहिए. ओके, रिजल्ट शुड मी में हमेशा आपको ये ऑल मीडिया फाइल टाइप सेलेक्ट करना है ऑप्शन. एंड यू कैन टिक इन दिस बॉक्स इफ यू वॉन्ट, you want to insert the content from Microsoft Office website. अगर Microsoft Office की website से आप insert करना चाहते हो तो आप इस checkbox पे टिक कर सकते हो. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर की फ़ोटो चाहिए. तो हम यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ हम यहाँ से इरेज कर देते हैं. विल टाइप हेयर लैपटॉप. So now you can see laptop. Now click on the go button. Now you can see आपके पास, देखो यहाँ पे images आ गई हैं laptop की. आप scroll down करेंगे तो आपको और images नज़र आएंगी. You can see. तो जो भी आप इनमें से इमेज अपने डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हो उसको आप जस्ट क्लिक कीजिए एंड दैट विल बी इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है. आपके ये हैंडल्स आ गए हैं तो इनसे आप इमेज का साइज़ छोटा कर सकते हो. ओके, नाउ अगेन आपका ऊपर आप देखोगे जैसे ही हमने इंसर्ट की फॉर्मेट टैब आ गया है तो हम इसको स्क्वेयर शेप में कर देते हैं. ओके, सो दिस वे यू कैन इंसर्ट द क्लिप आर्ट इमेज टू योर डॉक्यूमेंट. इट्स वेरी इजी. इसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, सर्च कीवर्ड टाइप करना है कि आपको किससे रिलेटेड इमेज चाहिए, फोटो चाहिए. And then just click on the go option. Okay. अगर हम और कोई insert करना चाहते हैं तो हम scroll down करेंगे नीचे.
so we'll write here. Like I have typed here laptop cartoon images. So like this we want to insert, हम ये insert कर सकते हैं. देखो आपकी आ गई. साइज हम इसका बड़ा कर सकते हैं. सो दिस वे वी कैन इंसर्ट द पिक्चर्स यूजिंग क्लिप आर्ट. ओके एंड वंस वी हैव डन विद द इंसर्शन, हमने इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये क्रॉस पे क्लिक करना है तो हमारा क्लिप आर्ट टास्क पेन क्लोज हो जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइंग टेक्स्ट इफेक्ट्स. So we can apply the visual text effects to the text such as shadow, reflection and glow. It can draw attention towards your headings or important information in your document. तो text effects में क्या होता है, जैसे हम like suppose this is types of mobile computer, ये आपको अलग से highlight करना है, अलग से दिखाना है कि जैसे ही कोई भी देखे ये अलग से दिखे. okay? So what you will do, here you can see, first select this types of mobile computer, select kiya. Now here in the font group, this is your text effect. Ye aapka kya hai? Text effect hai. Just take the pointer there, is pe click karoge. So you can see, you can choose any of the option. तो देखो अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है उसका भी चेंज हो गया है. यू कैन सी. ओके सो दिस इज योर. अब आप नीचे देखोगे यहाँ पे देखो शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो. So when you will click on the arrows in front of them, आप इनमें से कोई भी option choose कर सकते हो कि outer में अगर आपको shadow दिखानी है या inner में shadow दिखानी है. If you want to do like this, so first select the text, click on the text effects, then click on the shadow option. And you can select any of the option from here. देखो आपकी shadow अब पीछे की तरफ आ रही है. जो भी आप option choose करोगे accordingly उसकी shadow change हो जाएगी. देखो है ना. So now अगर हम reflection पे करें so देखो दिस इज़ द रिफ्लेक्शन. जो ऊपर लिखा है टाइप्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटर उसको उसका आपको नीचे की तरफ यहाँ पर रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है ना. सो दिस वे यू कैन अप्लाई द रिफ्लेक्शन इफेक्ट. और अगर आपको ग्लो चाहिए देखो यू कैन सी द चेंजेस देयर. सो दिस इज़ हाउ आप अपने टेक्स्ट को इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, शेडो इफ़ेक्ट, ग्लो इफ़ेक्ट, रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट. ओके अगर आपको आउटलाइन को अलग से चेंज करना है अगेन क्लिक ऑन टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स. ये यहाँ पे आउटलाइन है, आपको आउटलाइन के लिए कोई लाइक आउटलाइन के लिए आपको वेट सेलेक्ट करना है कि कितनी थिन और थिक लाइन आपको चाहिए आउटलाइन की. सो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो. जस्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन आउटलाइन ऑप्शन. देखो सी कितना थिक हो गया ना ये. सो अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हो.
अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं आउटलाइन के, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द कलर्स। अगर आपको लाइन चेंज करनी है सी, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज योर टेक्स्ट इफेक्ट्स। ओके, नाउ इसको हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं ताकि सिंपल भी रहे और अच्छा भी लगे। ओके, एंड रिफ्लेक्शन भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स विच यू कैन अप्लाई। नाउ नेक्स्ट इज एडिंग वर्ड आर्ट। एडिंग वर्ड आर्ट में क्या होता है, वर्ड आर्ट प्रोवाइड्स अ यूनिक एंड डेकोरेटिव textiles, we can make our text more beautiful and attractive using the word art. So the next topic is adding word art, jo abhi humne bataya that this is a unique feature which makes your text more attractive and beautiful. और इससे आप किसी भी, जो भी आपके document में important information है या headings हैं, उनको आप अलग से शोकेस कर सकते हो। सो फॉर दैट आपको उसके लिए क्या करना होगा, लाइक सेलेक्ट द टेक्स्ट जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। नाउ हेयर यू विल सी द ऑप्शन हेयर वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट पे आप क्लिक करोगे, यू विल गेट द ऑप्शंस हेयर। सो वट एवर ऑप्शन यू विल लाइक, आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके, सो इट्स वेरी बिग, तो इसका साइज़ हम कम कर लेते हैं फ्रॉम द फॉन्ट साइज। ओके, सो अगेन विल क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन वर्ड आर्ट, एंड यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दीज वर्ड आर्ट ऑप्शन। आप इनमें से कोई भी वर्ड आर्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मिनिमाइज द साइज। And using the handles, make it little smaller. Okay. So here is types of mobile computer. और इसको भी आप, वर्ड आर्ट को भी आप कहीं भी मूव करा सकते हो। जैसे हमने पिक्चर को मूव किया था, देखो अभी आपका फोर हेडेड एरो में चेंज हो गया है। नाउ यू कैन मूव दिस एनी वेयर, आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, सो दिस इज टाइप्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटर। नाउ मेक इट लिटल and that side now. So this is how you can apply the word art to any of the text size. Aap accordingly font size aap text ka kam kar sakte ho. This we have already done in chapter 7. Okay, now next is adding bullets or numbering. A bullet is a dot or a symbol which is marked wherever you want to display the text in the form of different points. अगर आपको अपने document में points की form में आपको कोई information देनी है, कोई text आपको type करना है
अपने डॉक्यूमेंट में. सो उसको हम बुलेट्स की फॉर्म में नंबर डाल सकते हैं. बुलेट्स क्या होती है, सिंपली एक डॉट होती है. ओके वो अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं बुलेट के. सो बुलेट कैन बी गिवन व्हेन द ऑर्डर ऑफ पॉइंट डज नॉट मैटर. तो मोस्टली हम बुलेट्स वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉइंट्स किसी भी ऑर्डर में लिखे हों, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े. अगर सपोज़ हम लिख रहे हैं हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, सो अगर इसमें हम आगे पीछे लिख देंगे और हम बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी. बिकॉज फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर वी मस्ट फॉलो द स्टेप बाय स्टेप. सो फॉर दिस वी कैन यूज़ द नंबरिंग. ओके सो आई विल शो यू हेयर. अगर सीक्वेंस में हमें दिखाना है तो हम नंबरिंग यूज़ करते हैं. अगर हमें विदाउट सीक्वेंस शो करना है पॉइंट्स या कोई भी टेक्स्ट तो हम बुलेट्स यूज़ करते हैं. सो आई विल शो यू. सो फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट. लाइक देखो यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स डाले हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं. अब इन पे पहले हम बुलेट डालेंगे फिर नंबरिंग भी अप्लाई करेंगे. सो दिस इज़ योर पैराग्राफ ग्रुप. यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में दिस इज़ ये डॉट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर द बुलेट्स एंड दीज आर द नंबर्स. ओके सो पहले बुलेट्स पे क्लिक करते हैं. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. नाउ सी ये बुलेट्स के अलग अलग सिंबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. देखो अकॉर्डिंगली आपके टेक्स्ट में चेंज हो रहे हैं सिंबल. तो आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो. ओके और आप कोई अपनी नई बुलेट भी डिफाइन कर सकते हो. डिफाइन न्यू बुलेट अपनी खुद की बना सकते हो. तो अभी के लिए हम सिंपल ये ब्लैक डॉट यूज़ कर रहे हैं. सो इस तरीके से आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हो. ओके नाउ अगर हमें सीक्वेंस में नंबरिंग देनी है तो अगेन सेलेक्ट द टेक्स्ट. अब हम ऊपर नंबरिंग के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे. सो सी दीज आर द नंबर्स. देखो आपके डॉक्यूमेंट में भी चेंज हो गया 1, 2, 3. यू कैन सी द चेंज. सो अगर आपको सीक्वेंस में पॉइंट्स को शो करना है, एक प्रॉपर ऑर्डर में शो करना है, देन यू हैव टू यूज़ द नंबरिंग ऑप्शन. ओके नंबरिंग कैन बी 1, 2, 3, ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी और इन द रोमन. आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. ओके और अगर आपको ऑर्डर में नहीं चाहिए देन यू कैन यूज़ द बुलेट्स. ओके सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू. सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर टुडे. सो वंस प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स. इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. ओके एंड इफ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट विल टेक योर डाउट ओके इन द लाइव सेशन. टिल देन कीप रिवाइजिंग द चैप्टर 7 एज वेल. और इसको अच्छे से आप खुद कंप्यूटर या लैपटॉप पे ज़रूर करके देखें, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी. इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम एनी इश्यू आई एम हेयर टू हेल्प यू. ओके सो टिल देन टेक केयर. थैंक यू.